सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज को और दबाइए सब्सक्राइब के बगल में इस घंटे को हमारी एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज। दोस्तों, आज आपसे कुल 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 10 सेकेंड। अगर किसी सवाल का जवाब आपको पहले से पता था तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये 5 सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री 17 भाषा जानते थे? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव 17 भाषा जानते थे। आज का हमारा दूसरा सवाल है, भारत के किस चोर ने ताजमहल को बेच दिया था? दोस्तों, अगर आपको पता है भारत के किस चोर ने ताजमहल को बेच दिया था तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार के सिवान में रहने वाले ठग नटवर लाल ने ताजमहल को 3 बार बेचा था। हमारा तीसरा सवाल है, भारत में रावण मंदिर कहाँ है? दोस्तों, भारत में रावण का मंदिर जोधपुर में है। आज का हमारा चौथा सवाल है, चंदन के पेड़ पर सांप क्यों लिपटे रहते हैं? दोस्तों, आपने इस बारे में सुना होगा या देखा होगा कि सांप अक्सर चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सांप चंदन के पेड़ पर ही क्यों लिपटते हैं? क्या उन्हें चंदन की महक पसंद होती है या इसका कारण कुछ और है? आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग मानते हैं कि सांपों को चंदन की महक पसंद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक यह साबित कर चुके हैं कि सांपों में सूंघने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन वो अपनी जीभ को बार बार बाहर निकालते हैं जिससे वो आसपास के वातावरण का जायज़ा लेते रहते हैं। दोस्तों, सांप चंदन की खुशबू के कारण नहीं बल्कि अपने आप को ठंडा रखने के लिए चंदन के पेड़ के चारों ओर लिपटे रहते हैं। सांप अपने शरीर को ठंडा रखना चाहते हैं और उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इस कारण वो चंदन के पेड़ के चारों ओर लिपटे रहते हैं। चंदन की प्रकृति शीलत होती है, यही कारण है कि सांप भी अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए या तो ज़मीन के नीचे रहते हैं या फिर चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं। आज का हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है, औरतों को उल्टा होकर लेने में ज़्यादा मज़ा क्यों आता है? दोस्तों, ज़्यादातर औरतें उल्टा होकर ही लेना पसंद करती हैं। दोस्तों, औरत ही नहीं ज़्यादातर पुरुष भी उल्टा होकर लेते हैं। दोस्तों, उल्टा होकर नींद लेने में इंसान ज़्यादा आराम महसूस करता है, इसीलिए इंसान को उल्टा होकर लेने में ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।